अच्छा, क्लास नंबर 4 या क्लास 4 में ना जो चीज़ें हम लोगों ने की थी, मतलब उसी क्लास को कंटिन्यू किया था स्टार्टिंग में। स्पाइंग मेथड होता है। स्पाइंग मेथड आप किस लिए यूज़ करते हैं? मतलब स्पाई का मतलब ही ये होता है ना कि जासूसी करना, ठीक है? तो मतलब हम वो ब्रांड्स की, प्रोडक्ट की जासूसी करते हैं, और फिर उनके थ्रू मतलब हम ब्रांड हंटिंग करते हैं, फिर ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो स्पाइंग मेथड में होता क्या है कि हम उन सेलर्स को देखते हैं जिनके मतलब उनकी रेटिंग्स या उनके जो रिव्यूज़ हैं वो हमारे अकाउंट से मिलते जुलते हो। मतलब लेट सपोज अगर मेरे अकाउंट न्यू एक क्लाइंट का अकाउंट है, वो न्यू अकाउंट है, ठीक है? उस अकाउंट पे जो रेटिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? और जो रिव्यूज़ हैं वो भी नॉर्मल है। तो फिर मैं ऐसा ही सेलर देखूंगी, ऐसा ही सेलर ढूंढूंगी जिसकी रेटिंग जो है वो मेरे से मिलती जुलती हो, या मेरे से मिलते जुलते उसकी जो है वो रिव्यूज़ हो, ठीक है? तो स्पाइंग मेथड में ये चीज़ आती है। किस तरह से, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ने अमेजोन पे ओपन की, ठीक है? उसके ऊपर OS एड ऑन करके चेक किया, ठीक है? OS एड ऑन वाली जो एक्सटेंशन है वो हम लोगों ने ओपन करके चेक की। उधर देखेंगे कि जो भी सेलर है, जिस सेलर के हमारे ही मतलब लेट्स सपोज रिव्यूज़ और जो उसकी रेटिंग्स वगैरह है वो हमसे मिलती जुलती आ रही है, ठीक है? तो फिर उस सेलर का स्टोर फ्रंट ओपन कर लेंगे, जिस तरह से पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे ना, स्टोर फ्रंट ओपन करके फिर हम लोग उनके ब्रांड्स जो थे उनको कॉपी करके एक्सेल शीट में रखते थे। उसी तरह सेम सारा काम वही है, बस इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वो वाली प्रोडक्ट लेनी है। मतलब प्रोडक्ट ओपन की, OS एड ऑन करके हम लोगों ने वो वाला सेलर देखना है जिसकी रेटिंग्स हमसे मिलती जुलती हो। स्पाइंग मेथड ये होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे रेटिंग्स हमें गिवन है सारी, ठीक है? ये OS एड ऑन इसी तरह जब करते होते तो शो होता है ना हमारे पास। OS एड ऑन किया और ये सारे के सारे सेलर्स के नेम्स जो हो रहे हैं, मतलब उनको जो भी नेम है, ठीक है, उसके बाद उनकी टाइप्स जो हो रही हैं। अब FBA वालों को हम लोग ने वैसे भी इग्नोर कर देना, सिर्फ FBA को देखेंगे। तो FBA में हम देखेंगे कि किसकी रेटिंग जो है वो हमारे अकाउंट से मिलती जुलती है। अब जिस तरह इसकी रेटिंग है ना, ये देखें 100% एंड 1 लिखा हुआ है, ठीक है? ये एक बंदे ने इसकी रेटिंग दी, इसको उतनों ने रेटिंग दी, इसको 174 मिली, इसको 639 मिली, ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने रेटिंग चेक करनी है कि कितने बंदों ने और कितनी दी है, ठीक है? तो ये मतलब हमारे पास स्पाइंग मेथड आ गया। उसके बाद उसी तरह हम लोगों ने उसका स्टोर फ्रंट ओपन किया, स्क्रोल डाउन करके ब्रांड्स पे आए, ब्रांड कॉपी कर लिए, ठीक है? तो स्पाइंग मेथड में हम सिंपल ये वाला सारा काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाती है हम ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है? उस पर सबसे पहला काम जो है ना वो क्या है कि हम लोगों ने गूगल ओपन करना है, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है? ये गूगल ओपन कर लिया, उसके यहाँ पे मतलब गूगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो ओपन करेंगे। ये गूगल की ऑफिशियल शो हो गई। इसके बाद हमने गूगल की सेटिंग चेंज करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल की सेटिंग चेंज करेंगे। किस तरह से, ये जो यहाँ पे ये हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, गूगल एप्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? और सर्च पे आ जाएंगे, क्योंकि सर्चिंग सेटिंग हम लोगों ने चेंज करनी है। सर्च पे आ गए,